हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 को कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें तो द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं एनी और बीजू, इनकी जो एज है उनका डिफरेंस है 3। देन आगे हम जाते हैं तो एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। इन दोनों की एज हमको फाइंड करना है, दो फ्रेंड्स हैं एनी और बीजू। बट जो फर्स्ट सेंटेंस है अगर आप देखें क्वेश्चन में, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, मीन्स यहाँ पर दोनों की एज का डिफरेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। बट यहाँ पर हमको ये क्लियर नहीं है कि एनी यहाँ पर बीजू से बड़ी है या फिर बीजू एनी से बड़ा है। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, एक केस हम जो लेंगे उसमें एनी बड़ी रहेगी बीजू से, और सेकेंड केस लेंगे जिसमें बीजू बड़ा रहेगा एनी से। क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये क्लियर करके नहीं दिया है, इसलिए इसके दो अलग अलग आंसर आएंगे। तो सबसे पहले एनी और बीजू में से हम एनी की एज को बड़ा लेंगे और बीजू को छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सपोज करना पड़ेगा एनी और बीजू की एज। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है, जो एनी है उसकी एज हमने सपोज की एक्स ईयर्स एंड बीजू की जो एज है वो सपोज की वाई ईयर्स। और यहाँ पर पहला केस हम जो ले रहे हैं उसमें हम क्या लेंगे कि जो एनी है उसकी एज ज़्यादा है बीजू से। ये हमारा फर्स्ट केस है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3। तो एनी की एज में से हम बीजू की एज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एनी बड़ी रहेगी तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि जो एज होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमको सबसे पहले क्लियर करना होगा कि बड़ा कौन है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट केस लिया है एनी जिसमें बड़ी रहेगी बीजू से। तो एनी की एज हमने सपोज की है एक्स और बीजू की जो एज है वो सपोज की है वाई, मीन्स एक्स माइनस वाई कितना रहेगा हमारा 3। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। कैसे? एनी की एज में से सब्ट्रैक्ट किया है हमने बीजू की एज को, क्योंकि इन दोनों की एज का डिफरेंस 3 हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मीन्स एनी की एज को अगर हम ट्वाइस कर देते हैं तो वो एज किसकी हो जाएगी, धर्म, जो कि एनी के फादर हैं। तो एज ऑफ धर्म क्या हो गई है 2x, क्योंकि एनी की एज कितनी है x, तो एनी की एज का ट्वाइस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एज ऑफ धर्म। और क्योंकि ये एज है इसलिए इसमें हम यूनिट लगाएंगे ईयर्स। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यहाँ तक हमारा हो गया है कि धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मीन्स एनी का ट्वाइस करेंगे, एनी की एज का ट्वाइस करेंगे तो वो एज हो जाएगी धर्म की। तो एज ऑफ धर्म इक्वल्स टू ट्वाइस द एज ऑफ एनी, और एनी की एज हमने कैसा पोज किया है एक्स। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज ऑफ बीजू इज ट्वाइस हिज सिस्टर कैथी। तो ट्वाइस किया किसका, एज ऑफ कैथी। तो यहाँ पर एज ऑफ बीजू तो हमको क्लियर है, यहाँ हमने सपोज करा है वाई ईयर्स, तो यहाँ पर हम वाई ईयर्स पुट अप कर देते हैं वाई। ट्वाइस किया है किसकी एज का, कैथी की एज का, बट कैथी की एज तो हमको पता है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको कैथी की एज मिल सकती है, कैसे, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो एज ऑफ कैथी हमको मिल जाएगी y ओवर 2। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा सबसे पहले तो क्या कि हमने सपोज किया एनी की एज को x ईयर्स, बीजू की एज y ईयर्स। देन क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये क्लियर नहीं है कि एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है, बट यहाँ पर हमने फर्स्ट केस में लिया है एनी बड़ी है बीजू से, तो एनी की एज में से ही हम बीजू की एज को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब एनी बड़ी रहेगी तभी हम बीजू की एज को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों की एज का डिफरेंस जो है वो 3 है। देन ये कंप्लीट हो गया। देन आगे हमको क्वेश्चन में दिया है कि एज ऑफ धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, तो यहाँ पर एज ऑफ धर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनी का ट्वाइस। तो एज ऑफ एनी कितनी है हमारी, हमने क्या सपोज किया था x ईयर, तो x का मल्टीप्लाई 2 से किया क्योंकि ट्वाइस बोला है,
तो 2x एज हो जाएगी एज ऑफ धर्म। देन क्वेश्चन में आगे दिया है एज ऑफ बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो एज ऑफ बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो यहाँ पर बिजू की एज तो हमको क्लियर है वाई है, बट एज ऑफ कैथी हमको क्लियर नहीं है। तो यहाँ से हम चाहें तो कैथी की एज फाइंड कर सकते हैं। ये जो टू मल्टीप्लाई में था ये हमने डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा इक्वल्स टू की तरफ। तो ये हो जाएगा वाई ओवर टू, एज ऑफ कैथी हमको मिल गई वाई ओवर टू। देन आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। तो यहाँ पर हमको फिर से दो लोगों की एज का डिफरेंस दिया है, कैथी की एज का और धर्म की एज का। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर होगा कि कैथी बड़ी है या फिर धर्म, क्योंकि धर्म एनी के फादर हैं। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो एनी और बिजू फ्रेंड है, मीन्स जो धर्म है वो बड़े होंगे, और बिजू की सिस्टर है कैथी, तो वो धर्म से छोटी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, धर्म की एज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कैथी की एज को, क्योंकि यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया है कि जो कैथी है वो छोटी है और धर्म बड़ा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से हमको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय 3 ईयर्स। तो यहाँ पर डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है। देन बोला है एनी इज फादर, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो यहाँ पर धर्म की एज भी हमको मिल गई है, क्योंकि एनी का ट्वाइस किया। देन एज ऑफ बिजू दिया है, कैथी की यहाँ से एज हमको मिल गई है। हम आगे बढ़ते हैं कि धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस है 30। तो धर्म की एज यहाँ से हमको मिल चुकी है 2x, और कैथी की एज है y ओवर 2। तो ये हो गया y ओवर 2 इक्वल्स टू कितना डिफरेंस है 30 ईयर्स। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमको एक और इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 2 2 4x माइनस वाई ओवर 2 था, इक्वल्स टू किस तरफ भेज दिया तो मल्टीप्लाई हो गया, 30 × 2 हो जाएगा 60। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, हमको इक्वेशन 1 मिल गई है, 2 मिल गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर y का कोफिशियंट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एलिमिनेशन से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें y का कोफिशियंट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट साइन होते तो हम इजीली कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पर 4x पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि y भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और दोनों ही अपोजिट साइन, इसलिए y से तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर देखें नेगेटिव 4x और x, तो यहाँ बचेगा नेगेटिव 3x, क्योंकि 4x x से बड़ा है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मीन्स सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 - 1 3, और क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 1 इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव 60 पॉजिटिव 3 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव 57। देन नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, देन डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 19। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 19, और ये किसकी एज है, एनी की। तो एनी की एज हमको मिल गई है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिल गई है 19, और इसको हमने पुट अप किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देन x की वैल्यू पुट अप करी तो ये हमारी आई है 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये पॉजिटिव 3 इक्वल्स टू किस तरफ भेजा तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव y इक्वल्स टू किस तरफ आया तो पॉजिटिव। 19 माइनस 3 16 इक्वल्स टू y, मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 16। और x हमारा एनी की एज है, और बिजू की एज है y, और यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर एनी की एज आ गई है 19, और बिजू की आ गई है 16 ईयर्स। और यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर एनी को बड़ा लिया था बिजू से, इसलिए एनी की एज 19, और इनके बीच का डिफरेंस भी अगर आप देखें तो ये 19 माइनस 16 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ पर अभी हमने एक केस किया है जिसमें एनी बिजू से बड़ी है। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड केस करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है हमारी सेकंड, ये तो सेम रहेगी, सिर्फ चेंज आएगा तो इक्वेशन फर्स्ट में। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम बिजू को बड़ा लेंगे और एनी को छोटा। तो ये फर्स्ट केस हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम सेकंड केस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के केस 1 से हमको एज ऑफ एनी मिली 19 ईयर्स, और एज ऑफ बिजू 16 ईयर्स,
और केस वन में हमने क्या लिया था, एनी को बड़ा लिया था और बिजू को छोटा। अब हम केस टू लेंगे जिसमें बिजू बड़ा रहेगा और एनी छोटी। तो बिजू जब बड़ा रहेगा तब क्या होगा, बिजू की एज में से हम एनी की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बड़े में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो बिजू की एज हमने क्या सपोज किया था, वाई, और एनी की एज सपोज की थी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री। इस तरह से हमको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी स्टार्टिंग में हम ले चुके, इसका यूज कर चुके हैं, एनी जब बड़ी लिया था हमने और बिजू को छोटा। सेकेंड इक्वेशन हमने फाइंड कर ली थी, क्योंकि ऑल ओवर अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो जो क्वेश्चन का जो पहला सेंटेंस है उसी में हमारे दो केस बन रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन सेकेंड है वो यही रहेगी। तो इक्वेशन थर्ड हमने इसीलिए बनी क्योंकि बिजू को हमने बढ़ा लिया एनी से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन के स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है इसमें हमको क्लियर नहीं है कि बिजू बड़ा है या फिर एनी, इसलिए केस वन में हमने एनी को बढ़ा लिया, केस टू में हम बिजू को बढ़ा ले रहे हैं। तो एक इक्वेशन और मिल गई हमको, तो इसको हम किसके साथ सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन के साथ। ये इक्वेशन का हम यूज़ कर चुके हैं, एनी बड़ी है बिजू से, अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के साथ, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन थर्ड में अगर आप देखें तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री और यहाँ पर है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो y पहले है, x बाद में, तो हम चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो इक्वेशन थर्ड है हमारी उसका यूज़ करेंगे और सेकेंड का, तो सेकेंड तो हमने एज इट इज़ लिखा, थर्ड इक्वेशन को x वाला जो टर्म है आप देखें ये नेगेटिव है तो इसको हमने नेगेटिव लिख दिया, और y वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। इक्वल्स टू 3 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि x वाला टर्म पहले आना चाहिए और y वाला टर्म बाद में, इसीलिए हमने क्या किया, जो टर्म्स हैं उनको यहाँ लिखा तो बट उनके साइन के साथ, क्योंकि x नेगेटिव तो नेगेटिव, y पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और 3 एज इट इज़। अब अगर इनको देखें आप तो यहाँ पर y का जो कोफिशियंट है वो 1 है और जो साइन है वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मीन्स यहाँ अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, मीन्स ये तो ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐड करेंगे तो ऐड करने पर साइन तो कुछ चेंज होना नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं हम। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर आप देखें तो 4x माइनस x हो जाएगा 3x, नेगेटिव y पॉजिटिव y 0, 60 प्लस 3 63, देन 3x, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 से हम 63 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 21, मींस x की वैल्यू हमको मिल गई है। अब y की वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम थर्ड और सेकेंड का यूज़ कर रहे हैं, जो इक्वेशन आप चाहें उनको ले सकते हैं और उसमें x की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पर थर्ड है, इसको हमने लिया y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन लिया, देन y एज इट इज x की वैल्यू 21 हमने फाइंड कर लिया है, तो ये 21 इक्वल्स टू 3, नेगेटिव 21 इक्वल्स टू कुछ तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 21 प्लस 3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 24। इट मीन्स यहाँ पर हमको एनी की एज मिल गई है 21 और बीजू की एज मिल गई है 24। तो यहाँ पर आप देखें हमने बीजू को बड़ा लिया था एनी से, तो बीजू है 24 का और एनी है 21 के, और इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3, 24 माइनस 21 3। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके केस के हिसाब से दो अलग अलग आंसर आएंगे, जब एनी बड़ी रहेगी तब यहाँ पर एज ऑफ एनी आएगी 19 और एज ऑफ बिजू आएगा 16, देन अगर बिजू बड़ा रहता है तब जो आंसर है आपका वो आएगा एनी की एज आएगी 21 और बिजू की एज आएगी 24, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये क्लियर नहीं दिया है कि एनी बड़ी है या फिर बिजू, इसीलिए हमने दोनों केस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.7 से। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। मीन्स यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि वन फ्रेंड एंड सेकेंड फ्रेंड, दो फ्रेंड हैं और दोनों ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दोनों के पास सेपरेटली अलग अलग कितनी मनी है। तो हम सपोज करेंगे फर्स्ट फ्रेंड के लिए मनी और जो अदर फ्रेंड है उसके लिए मनी, कि उनके पास कितने रुपीज़ हैं।
तो यहाँ पर हमने सपोज किया जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास टोटल मनी कितनी है एक्स रुपीज, और सेकंड फ्रेंड उसके पास टोटल मनी है वाई रुपीज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया वन सेज, मीन्स फर्स्ट फ्रेंड कह रहा है गिव मी अ हंड्रेड, अदर फ्रेंड से कह रहा है, मीन्स यहाँ पर जो एक्स है वो फर्स्ट फ्रेंड की मनी है, तो एक्स बोल रहा है कि गिव मी हंड्रेड, मीन्स अगर हंड्रेड इसके पास आते हैं तो हंड्रेड ऐड हो जाएंगे, और अगर ये सेकंड फ्रेंड से लेता है इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड फ्रेंड है उसके पास वाई मनी है तो उसमें से वो हंड्रेड माइनस करेगा तभी तो उसके पास हंड्रेड ऐड होंगे। ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, वन सेज गिव मी अ हंड्रेड फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो ये चीज़ बाद में देखनी है, सबसे पहले गिव मी अ हंड्रेड बोल रहा है, किसको बोल रहा है, अदर फ्रेंड को बोल रहा है, कौन सा फ्रेंड, वन सेज, तो फर्स्ट फ्रेंड के लिए हमने मनी सपोज किया है एक्स और सेकंड फ्रेंड के लिए वाई, जब फर्स्ट वाला हंड्रेड लेगा सेकंड वाले से मीन्स सेकंड वाले के हंड्रेड कम हो जाएंगे, देन उसने बोला आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मीन्स इसके पास अब जो मनी बची है उसका अगर हम ट्वाइस कर दें मीन्स टू का मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसके इक्वल होगा, तो उसने ये बोला कि अगर तुम मुझे हंड्रेड रुपीज़ दे देते हो तो तुम्हारे पास जितनी मनी बची है उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो उतना रिच मैं हो जाऊंगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे टू का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ट्वाइस, किसका ट्वाइस, जिस सेकंड फ्रेंड से जिसने उससे मनी लिया है, तो फर्स्ट जो फर्स्ट फ्रेंड है उसने कहा गिव मी अ हंड्रेड, तो जब इसके पास हंड्रेड आई मीन्स इससे ऐड होंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे, देन इसका ट्वाइस करेंगे तो इसकी मनी इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गई है x प्लस हंड्रेड टू वाई, टू का हंड्रेड में मल्टीप्लाई किया तो 200, देन ये 2y पॉजिटिव था तो इक्वल्स टू कुछ सिर्फ गया तो नेगेटिव हो गया, देन ये 200 नेगेटिव था तो इक्वल्स टू कुछ सिर्फ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 100 प्लस 200 300 इक्वल्स टू जीरो। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, द अदर रिप्लाइज मीन्स सेकेंड फ्रेंड के पास कितनी मनी है y, तो द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, मीन्स सेकेंड फ्रेंड की बात करते हैं, सेकेंड फ्रेंड ने कहा जिसके पास y मनी है इफ यू गिव मी 10, तो अगर ये 10 रुपीस ले रहा है मीन्स जो फर्स्ट फ्रेंड है उसमें से 10 रुपीस सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जब ये अपने पॉकेट से उसको मनी देगा तो उसके पास ऐड होंगे और इसके पास सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हो गया x माइनस 10 y प्लस 10, क्योंकि अदर फ्रेंड है जो सेकंड फ्रेंड है उसने बोला गिव मी 10, तो गिव मी 10 तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो गिव मी 10 से ही इतना आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है। देन इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी ये 6 टाइम्स एज रिच एज यू, ये हो जाएगा किसका 6 टाइम, फर्स्ट वाले फ्रेंड के पास जो मनी है उसका, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अदर फ्रेंड रिप्लाइज गिव मी 10, तो इसके पास 10 ऐड हुए मीन्स यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, देन उसने कहा आई शैल बी सिक्स टाइम्स एज रिच एज यू, मीन्स फर्स्ट वाले फ्रेंड के लिए बोला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ से हमको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया 6 इंटू एक्स 6x 6 टेंस आर 60 y प्लस 10 एज इट इज, ये बाय पॉजिटिव इक्वल्स टू कुछ सिर्फ गया तो नेगेटिव, ये 10 पॉजिटिव इक्वल्स टू कुछ सिर्फ गया तो नेगेटिव, नेगेटिव 10 नेगेटिव 60 नेगेटिव 70, तो यहाँ से आप देखें आपको एक इक्वेशन ये मिल गई है, एक इक्वेशन ये मिल गई है, दो इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इनको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तभी आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, तभी आप फाइंड कर पाएंगे कि उनके पास कितना अमाउंट है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड हैं, किसी भी एक मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन और ये सब्स्टिट्यूशन आप कर चुके हैं, ये इसको हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2, ये वैल्यूज़ आपको सबसे पहले फाइंड करनी होती हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज़, सेकेंड इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, देन फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। तो यहाँ से आप देखें इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग a1 है 1, b1 है -2, c1 है 300, देन सेकेंड इक्वेशन से लेंगे a2 6, b2 -1, c2 -70। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें जो इक्वेशन है हमारी x और y के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा x, y और कांस्टेंट 1। देन यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं।
तो यहाँ पर आप देखें हमने वैल्यूज पुट अप कर दी हैं। यहाँ पर आप देखें x ओवर b1 c2 -2 -70, देन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, देन है b2 c1 -1 300 -1 300, देन y ओवर c1 a2 306 माइनस, देन है c2 a1 -71 -71, देन 1 ओवर a1 b2 into -1 बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, देन a2 b1 a2 6 b2 -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको सॉल्व कर लिया, यहाँ आप देखें तो 2 7s are 14, देन 0 एज इट इज, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 300 into 1 300। आगे चलते हैं तो y ओवर 3 6s are 18, 00, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 70 into 1 70, 1 into -1 -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 6s are 12। देन इनको सॉल्व कर लेंगे, 140 + 300 440, देन यहाँ पर देखें 1800 + 70 1870, देन 12 - 1 11। अब x और y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे हम x वाला टर्म और ये वाला टर्म लेंगे, देन y की वैल्यू के लिए y वाला टर्म और ये वाला टर्म लेंगे। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x ओवर 440 इक्वल्स टू 1 ओवर 11, देन ये 440 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मींस ऊपर, तो 440 ओवर 11 आ गया, देन 11 4s are 44 and 0 एज इट इज, देन यहाँ आ गया x की वैल्यू आ गई 40। देन यहाँ से आप देखें y ओवर 1870, तो y ओवर 1870 इक्वल्स टू 1 ओवर 11, देन ये 1870 यहाँ पर y के अपॉन में इक्वल्स टू को तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। यहाँ से हमने 11 से कैंसिल आउट कर दिया, 11 1s are 11, देन यहाँ बचा 7, 7 इंटू 7 और 7 हो जाएंगे 77, 11 7s are 77, 0 एज इट इज, मीन्स y की जो वैल्यू है वो आ गई है 170 और x की वैल्यू आ गई है 40। इट मीन्स यहाँ पर आप देखें तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास कितनी मनी होगी, 40 रुपीज़, और जो सेकेंड फ्रेंड है उसके पास कितने कितनी मनी रहेगी, 170। तो यहाँ हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमको यही फाइंड करना था कि फर्स्ट फ्रेंड के पास यहाँ पर 40 रुपीज़ हैं और अदर फ्रेंड जो है सेकेंड फ्रेंड उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 170। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.7 से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। मीन्स अगर ट्रेन, यहाँ पर दो केस हैं, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तब क्या होता है कि 2 घंटे कम लगते हैं उसको, मीन्स 2 घंटे जल्दी पहुँच जाती है ट्रेन, और अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चल रही है तब क्या होता है, जो ट्रेन है वो 2 घंटे लेट पहुंचती है। तो दो केस हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, मींस हमको डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि ट्रेन कवर कर रही है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हमको स्पीड भी चाहिए, टाइम चाहिए, तभी हम डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है स्पीड x किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, मींस वो जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, y आवर्स। और क्योंकि क्वेश्चन में हमको स्पीड और टाइम ही गिवन है, इसीलिए यहाँ पर हमने स्पीड और टाइम सपोज कर लिया है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस के लिए होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग जब x किलोमीटर पर आवर स्पीड रहेगी और टाइम लगेगा उसको y आवर्स, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब स्पीड के लिए हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो उसी फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गई हमारी एक्स वाई, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस है जिस पर ये सारे ऑपरेशन अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं यहाँ पर, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रहा है, फास्ट मीन्स ऐड होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्पीड है उसमें 10 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्पीड तो फास्टर है 10 किलोमीटर
फास्टर, 10 किलोमीटर पर आर फास्टर मींस स्पीड में ऐड हो जाएगा 10, और हमने स्पीड क्या सपोज की है, बेसिकली x, तो x में ऐड हो जाएगा 10, क्योंकि जो x किलोमीटर पर आर हमने स्पीड सपोज की है वो इसकी शेड्यूल्ड टाइम की स्पीड हमने यहाँ पर सपोज की है, तो यहाँ पर x प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि 10 किलोमीटर पर आर फास्टर चल रहा है। देन यहाँ पर टाइम की बात करें तो 2 आवर्स लेस, 2 घंटे कम लग रहे हैं, मीन्स हमने जो टाइम सपोज किया है y शेड्यूल्ड टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 घंटे कम लग रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, y माइनस 2 आवर्स। अब ये जो स्पीड और टाइम है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हमने x और y सपोज किया तो इसके लिए हमने डिस्टेंस फाइंड की, इसीलिए इसके लिए भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमारी क्या है, x प्लस 10 इंटू टाइम क्या है, y माइनस 2, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारी उसी डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस यहाँ पर हमने कैसा पोज किया था, x, y, और ये भी डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ये डिस्टेंस फाइंड करें या फिर ये डिस्टेंस फाइंड करें तो ये डिस्टेंस तो इक्वल ही होगी, तो ये हो गया x, y, देन इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सॉल्व करने से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, बट ऑलरेडी हमारे पास डिस्टेंस है जो हमने फाइंड की है एक्स वाई, तो डिस्टेंस की प्लेस पर हम लिख देंगे एक्स वाई और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x का मल्टीप्लाई वाई में क्या, तो एक्स वाई नेगेटिव 2x, 10y, 10 का मल्टीप्लाई 2 में क्या, तो 10 टू जार 20 नेगेटिव, देन 2x नेगेटिव इक्वल्स टू किस तरफ गया तो पॉजिटिव, 10 बाय पॉजिटिव इक्वल्स टू किस तरफ गया तो नेगेटिव, 20 नेगेटिव तो इक्वल्स टू किस तरफ गया तो पॉजिटिव, और ये एक्स वाई पॉजिटिव इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव एक्स वाई कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएंगे, और इस इक्वेशन को आप देखें 2, 10, 20, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 10s are 20 एंड 0 है, तो 0 over 2 means 0, तो एक इक्वेशन हमारी हो गई है यहाँ पर। अब सेकेंड हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, मीन्स यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आर स्लोअर चल रही है, मीन्स स्पीड कम हो गई है मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 10, क्योंकि शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड है x, और क्योंकि स्लोअर चल रही है इसलिए उसमें से कितना सब्ट्रैक्शन होगा, 10, देन टाइम की बात करें तो टाइम इसको 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल्ड टाइम से उसको 3 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, मीन्स टाइम में क्या हो जाएगा, 3 ऐड। अब यहाँ पर सेकेंड केस के अकॉर्डिंग स्पीड और टाइम हमको फिर से नए मिले हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे इसके लिए भी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस हमको ऑलरेडी गिवन है तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x माइनस 10 और टाइम है हमारा y प्लस 3, और ऑलरेडी डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं x, y, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हमने इनको सॉल्व कर लिया, x का मल्टीप्लाई y में किया तो एक्स वाई, एक्स का 3 में किया तो 3x, देन 10 का करेंगे नेगेटिव 10y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 10 3 जार 30, अब क्या करेंगे, ये जो xy है ये आपका पॉजिटिव है, इक्वल्स टू को उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अब जो 3x है ये पॉजिटिव, 10y नेगेटिव, 30 नेगेटिव, ये जो xy है ये पॉजिटिव, इक्वल्स टू को उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक xy है तो xy नेगेटिव xy 0, तो यहाँ पर एक और इक्वेशन हमको मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इन दोनों को इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्स का कोफिशियंट सेम है या नहीं, वाई का कोफिशियंट सेम है या नहीं, मतलब किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को आपको सेम बनाना होगा, तो यहाँ पर आप देखें y 5 है, यहाँ y 10 है, x 1 है, x 3 है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेम कोफिशिएंट बनाना होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा सेकंड में, और सेकंड में होगा
वन का मल्टीप्लाई होगा सेकेंड में, और जो फर्स्ट है इक्वेशन आपकी तो वहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री का। तो ये जो कॉफिशियंट है ये क्या हो जाएंगे हमारे, सेम। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन में, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कॉफिशियंट है वन, और थ्री बनाने के लिए हमको इस थ्री का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसका कॉफिशियंट है थ्री। एंड वन का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में थ्री है तो यहाँ पर वन है, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। देन मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया, सबसे पहले तो थर्ड इक्वेशन, थर्ड थ्री का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन है हमारी ये, इसमें हम थ्री का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थ्री एक्स, थ्री फाइव आर फिफ्टीन, थ्री टेन आर थर्टी। और इक्वेशन सेकंड में हम वन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन एज इट इज आएगी थ्री एक्स नेगेटिव टेन वाई नेगेटिव थर्टी। और सब्ट्रैक्शन किया हमने, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव। पॉजिटिव 3x, नेगेटिव 3x कैंसिल आउट हो गए, जीरो आ गया। देन 15y, 10y, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, मींस 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 5y। और क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 10 इसलिए आ जाएगा नेगेटिव साइन। 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, क्योंकि ये जो 30 है ये पहले नेगेटिव था बट बाद में क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 30, पॉजिटिव 30, 60। ये 60 पॉजिटिव इक्वल्स टू किस तरफ गया, तो नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल कर देंगे 60 को, तो 5 वन आर 5, 5 टू आर 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू अगर पुट अप कर दें तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट अप करेंगे जिससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस 5y प्लस 10, x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देन इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप करना है, तो x एज इट इज नेगेटिव 5 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है, 12, तो 12 प्लस 10, 12 फाइव आर 60 नेगेटिव प्लस 10, 60 माइनस 10 आ जाएगा 50 नेगेटिव, क्योंकि 60 इज ग्रेटर देन 10। देन ये नेगेटिव 50 इक्वल्स टू किस तरफ गया, तो आ गया पॉजिटिव 50, मींस x की वैल्यू आ गई 50, y की वैल्यू आ गई 12, और हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम चाहिए, स्पीड और टाइम हमने फाइंड कर लिया, तो डिस्टेंस हमने क्या फाइंड किया था यहाँ पर, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना था डिस्टेंस, जो कि हमने यहाँ पर ट्रेन की स्पीड सपोज किया था x, तो x हमारा आ गया 50। देन टाइम सपोज किया था हमने y, y आ गया हमारा 12 आवर्स, और हमको फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने पहले ही फाइंड कर लिया था यहाँ पर एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो x की वैल्यू क्या है 50 और y की वैल्यू क्या है 12, दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 12, 12 फाइव आर 60 और ये 0 एज इट इज़, और ये आ गई है डिस्टेंस आपकी 600 किलोमीटर, और यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.7c। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कि स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है जिसके स्टूडेंट्स हैं, उनको हम रो में खड़ा कर रहे हैं। देन क्वेश्चन में यहाँ पर ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मीन्स अगर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो एक रो इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, मीन्स एक रो कम पड़ जाती है। देन इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रो मोर, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमको ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप देखें हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमको ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर हमको एक रो के स्टूडेंट क्लियर हो जाए और टोटल नंबर ऑफ हमको रो क्लियर हो जाए और उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल स्टूडेंट पता चल जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर रो बना देते हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रो हैं। अब सपोज करिए एक रो में 2 स्टूडेंट हैं, तो एक रो में अगर 2 स्टूडेंट हैं और यहाँ पर कितनी रो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रो हैं, और स्टूडेंट कितने हैं, सिंगल रो की बात करें एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2,
तो इस 2 का इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं ये, देन टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है ये हमको क्लियर होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ हमारे पास होंगी तभी हम क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट हैं ये क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एंड टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, ये हम दोनों चीज़ें सपोज करेंगे, देन हम फाइंड कर पाएंगे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मीन्स क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है लेट टोटल स्टूडेंट इन ईच रो, एक सिंगल रो में एक्स स्टूडेंट होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ रो, रो टोटल कितनी है वाई, ये हमने सपोज कर लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो टोटल स्टूडेंट हमको कैसे मिलेंगे, टोटल स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ रो से, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है ईच रो के स्टूडेंट कितने हैं एक्स और टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है वाई, यही हमने सपोज किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ सपोज करके तो हमको यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया कि टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे एक्स वाई, बट अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मीन्स एक रो में अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मीन्स जो हमने एक्स सपोज किया है ईच रो में, उसमें क्या हो रहा है, 3 स्टूडेंट मोर हो रहे हैं, मीन्स 3 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, और जो आपकी नंबर ऑफ रो है वो कितनी हो रही है, 1 रो लेस। तो रो में क्या करेंगे हम, एक रो लेस कर देंगे, मीन्स माइनस 1। तो ये तो हमको हमने फाइंड कर लिया जो हमने सपोज किया था उसके अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने बोला है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक रो के स्टूडेंट हमने सपोज किए हैं एक्स और उस रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, मीन्स उसमें ऐड हो जाएगा, देन टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी हमने सपोज की है वाई, और यहाँ पर रो क्या हो रही है, लेस हो रही है, मीन्स कम, मीन सब्ट्रैक्शन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रो में से एक रो को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना होगा, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इन ईच रो मीन्स एक्स प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ रोज मीन्स वाई माइनस 1, तो एक्स प्लस 3 और वाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक्स वाई क्यों लिखा, क्योंकि जो एक्स वाई है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट इन ईच रो इंटू नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर भी हमने वही किया, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने सपोज किया है, तो ये किसके इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक्स प्लस 3 और वाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईच रो में जितने स्टूडेंट है उसका मल्टीप्लाई अगर हम टोटल नंबर ऑफ रो से कर देते हैं तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई y में किया तो एक्स वाई नेगेटिव x, 3 का y में किया तो 3y, 3 इंटू नेगेटिव 1 नेगेटिव 3, और एक्स वाई ये एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखें ये एक्स वाई जो है ये पॉजिटिव है, इक्वल्स टू कुछ तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव एक्स वाई कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन इनको देखें तो ये नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू कुछ तरफ गया तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, इस तरह से हमने इनको लिख लिया। तो ये हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये हमारा था केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन नेक्स्ट केस देखते हैं हम यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें If 3 students are less in a row, एक रो में 3 स्टूडेंट लेस हो रहे हैं, मीन्स कम हो रहे हैं, और एक रो के कितने स्टूडेंट हमने यहाँ पर सपोज किए हैं x, मीन्स इसमें से कितने स्टूडेंट कम हो रहे हैं 3, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, If 3 students are less in a row, तो लेस कर दिया रो से, नंबर ऑफ रो हमने सपोज किया x, और टोटल नंबर ऑफ रो है मतलब स्टूडेंट है हमारे x, तो x में से कितने स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं 3, 3 स्टूडेंट आर लेस।
मीन्स टोटल स्टूडेंट हमने क्या सपोज किए हैं x, उसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, क्योंकि 3 लेस हो रहे हैं। देन आगे देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है देयर वुड बी 2 रोज मोर, मीन्स 2 रो ज़्यादा हो रही है, मोर मीन्स ज़्यादा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है उसमें क्या करेंगे हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है 2 रोज मोर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y प्लस 2। अब फिर से अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी है एक्स वाई, तो ये इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं टोटल स्टूडेंट्स, तो ये भी टोटल स्टूडेंट के लिए ही है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक और इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू टू टू एक्स, नेगेटिव 3 इंटू वाई नेगेटिव 3y, और नेगेटिव 3 इंटू टू नेगेटिव 6। देन ये एक्स वाई पॉजिटिव इक्वल्स टू की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 बचेगा, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमको मिल गई इक्वेशन नंबर सेकंड, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको मिल गया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन उसको हम पुट अप करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो इक्वेशन फर्स्ट लिया हमने x माइनस 3y प्लस 3, देन x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3y नेगेटिव इक्वल्स टू किस तरफ जाके पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव इक्वल्स टू किस तरफ जाके नेगेटिव, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3y माइनस 3, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस वैल्यू को हम पुट अप करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y माइनस 6, तो 2 x के प्लेस पर पुट अप करेंगे 3y माइनस 3 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ हमने जब इसको सॉल्व किया तो y हमको मिल गया 4, कैसे यहाँ पर देखें 2 3 6y, 2 3 6, देन 3y एज इट इज, नेगेटिव 6 एज इट इज, ये 6y में से 3y माइनस हुआ तो 3y बचा, देन नेगेटिव 6 नेगेटिव 6 नेगेटिव 12 इक्वल्स टू 0, ये नेगेटिव इक्वल्स टू किस तरफ गया तो पॉजिटिव, 3 4 12, y की वैल्यू हमको मिल गई 4। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड हमको मिली है जहाँ से हमको x की वैल्यू मिली, यहाँ पर y की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से x हमको मिल गया 9, कैसे 3, y की वैल्यू 4, 3 4 जार 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 मींस 9, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 9, y की वैल्यू मिल गई है 4, मींस यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो मिल गया है 9, और टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास 4, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में सब यहाँ पर फाइंड किया था टोटल स्टूडेंट एक्स वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमारी आई है 9, वाई की वैल्यू आई है 4, 9 4 36 स्टूडेंट्स, यही हमको यहाँ पर फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हमको टोटल स्टूडेंट इन ईच रो मीन्स एक सिंगल रो में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं ये हमको क्लियर हो जाए, और टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है ये क्लियर हो जाए, तो हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल स्टूडेंट पता चल जाएंगे। यही हमने यहाँ पर किया, हमने सबसे पहले तो ईच रो में कितने स्टूडेंट है वो सपोज किया, और टोटल रो कितनी है ये सपोज किया, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको टोटल स्टूडेंट मिल गया। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला स्टार्टिंग में हमको कि एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो रो कम हो रही है, देन यहाँ से हमने फिर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड किए, यहाँ से एक इक्वेशन मिली। देन सेकेंड केस में हमको बोला गया कि एक रो में 3 स्टूडेंट कम होते हैं तो रो 2 ऐड हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती हैं, देन यहाँ से भी हमने फिर क्या किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड किया, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको मिल गया और इनको सॉल्व करना हमको आता है, इसके लिए 3 मेथड हमारे पास हैं, किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको y और x की वैल्यू मिल गई, और यहाँ से एक्स वाई मीन्स क्या है टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट है एक्स वाई मीन्स 9 4 36 स्टूडेंट, इसका मतलब जो क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट होंगे 36। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.7 से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देखें तो इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल्स टू 3 एंगल बी इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट के अंदर एंगल ए प्लस बी,
तो यहाँ पर ये कंडीशन हमको दी है इस क्वेश्चन में और हमको फाइंड करना है ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल होता है उसके जो तीनों एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम होता है 180, ये चीज़ हमको क्लियर है। और यहाँ पर ये जो कंडीशन दी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखें तो सी इक्वल्स टू 3 एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए प्लस बी, मीन्स यहाँ पर अगर देखें तो ए और बी इक्वल हो रहे हैं 3 एंगल बी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई दो एंगल मीन्स ए और बी हम सपोज कर लेते हैं, और सी के लिए तो ये कंडीशन दी हुई है इसलिए हमको ए और बी को ही सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि सी के इक्वल 3 एंगल बी है और 2 ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया एंगल ए एक्स एंड एंगल बी वाई डिग्री। देन यहाँ पर सी के लिए इससे हम फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए और बी को हमने सपोज कर लिया और सी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर देखें तो 3 एंगल बी है, तो यहाँ से हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली 3y। तो इस तरह से एंगल ए एंगल बी और एंगल सी यहाँ पर हमको मिल गए हैं x डिग्री y डिग्री और c हो गया है 3y डिग्री। देन अगर यहाँ पर आप देखें तो 3 एंगल बी इक्वल्स टू 2 ए बी, एक तो ये कंडीशन हम ले सकते हैं। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले हमने क्या किया, वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। देन इनकी वैल्यूज हम पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया एंगल ए एक्स एंगल बी वाई और एंगल सी है 3y, 3y प्लस वाई हो गया 4y, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 180, ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, देन 3 एंगल b इक्वल्स टू 2 एंगल a प्लस बी है, इसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एंगल a और b की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट अप कर दी हैं 3 एंगल b मीन्स y, a के लिए x और b के लिए y, देन इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया है 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2y 3y एज इट इज़, 2x यहीं रहेगा 2y भी यहीं रहेगा, 3y पॉजिटिव इक्वल्स टू गुस्सा आया तो नेगेटिव हो गया, 2x एज इट इज़ 2y माइनस 3y नेगेटिव y इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या होगा, ये जो दो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको मिल गई है, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन होती हैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं उससे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट लिया एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 180, देन x की वैल्यू फाइंड करेंगे 4y पॉजिटिव इक्वल्स टू कुछ तरफ जाकर नेगेटिव, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, 2 x की प्लेस पर रखा 180 माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगी यहाँ से y की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखें 2 इंटू 18 36, 0 एज इट इज़, 2 4 आर 8 वाई नेगेटिव y एज इट इज़, देन 8y और y ये दोनों ही नेगेटिव हैं ऐड हो जाएंगे नेगेटिव 9y इक्वल्स टू 0, ये 360 पॉजिटिव इक्वल्स टू कुछ तरफ जाके ये नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई में है y के तो ये डिवाइड में चले जाएगा, 9 4 आर 36 एंड 0 मीन्स 9 ने 40 टाइम्स में 360 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई। अब हम x की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो यहाँ पर हमने क्या किया x इक्वल्स टू 180 माइनस 4y, y के प्लेस पर हम रखेंगे 40, 4 4 जार 16, 0 180 माइनस 160 आ गया 20, मींस x और y जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किए थे a b इनकी वैल्यू हमको मिल गई है। अब यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमको तीनों एंगल फाइंड करने थे ट्राइंगल के, तो एंगल ए हमने सपोज किया था x तो वो आ गया 20, एंगल बी हमारा था y, y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, एंगल सी हमारा यहाँ पर था 3y डिग्री, तो 3y y की वैल्यू है 40, 3 4 आर 12 0 मीन्स 120 आ गया एंगल सी। तो इस क्वेश्चन में हमको तीनों एंगल बताने थे, तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस y इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस हमको गिवन है और इनके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। देन क्वेश्चन के आगे देखते हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। यहाँ पर क्या करना है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब एक ट्राइंगल फॉर्म होगा जो कि
इन लाइंस से होगा और वाई एक्सिस के साथ होगा, तो उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है यहाँ पर। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.2 में देख चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 7। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको दो इक्वेशन है और हमको ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पर, देन उससे जो दो लाइंस है हमारी इनसे एक ट्राइंगल बनेगा और साथ में रहेगा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस और दोनों लाइन के साथ जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो हमको इक्वेशंस गिवन है इनके लिए हम दो दो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, देन हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो गिवन लीनियर इक्वेशंस है वो है 5x-y = 5, 3x-y = 3। अब क्योंकि इनके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम फाइंड करेंगे, देन इक्वेशन सेकंड के लिए फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 5 × 1 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये जो 5 है इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। मीन्स हमको एक ऐसा नंबर चूज करना है यहाँ पर जिससे कि हमको छोटी सी वैल्यू मिले। तो यहाँ अगर हम 0 पुट अप करते हैं तो 5 × 0 मीन्स x का टर्म 0 हो जाएगा और y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 पुट अप कर रहे हैं x के प्लेस पर। अब यहाँ पर आप देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के लिए जब पॉइंट फाइंड करेंगे तो x के प्लेस पर हमने 1 रखा इस इक्वेशन में, तो 5 × 1 5 = 5 माइनस y इक्वल्स टू 5। ये पॉजिटिव 5 इक्वल्स टू की तरफ जाएगा तो नेगेटिव 5, 5 - 5 = 0 और ये नेगेटिव साइन भी अगर 0 पे आएगा तो ये 0 ही रहेगा क्योंकि 0 ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, तो वाई की वैल्यू आ गई 0। देन एक्स के प्लेस पर हमने सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए एक्स के प्लेस पर हमने 0 पुट अप किया, तो 5 × 0 मीन्स 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो नेगेटिव वाई इक्वल्स टू 5 आया और वाई का जो नेगेटिव साइन है वो हम 5 पे दे देंगे, तो ये आ गया वाई इक्वल्स टू नेगेटिव 5। तो इस तरह से दो पॉइंट मिल गए, 1 0 0 - 5। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के लिए अगर आप देखें तो 3x - y = 3 ये इक्वेशन है, इसमें x के प्लेस पर हमने 1 रखा तो 3 × 1 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये पॉजिटिव 3 इक्वल्स टू कुछ तरफ गया तो नेगेटिव 3, 3 - 3 = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। देन x के प्लेस पर हमने 0 पुट अप किया तो 3 × 0 मीन्स 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, नेगेटिव वाई इक्वल्स टू 3 मीन्स वाई इक्वल्स टू आ जाएगा नेगेटिव 3। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाएंगे और 2 के लिए टेबल बनाएंगे, देन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना लिया और इक्वेशन सेकंड के लिए, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देखिए तो एक्स के जो टर्म्स हैं यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं और 0 और 1 है, और वाई के लिए -5 और -3 मीन्स वाई एक्सिस हमको नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारी टेबल दी हुई है, इसको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो x1 y0, x देखें तो ये 1 आ रहा है और y 0 ही है, मीन्स ये रहेगा हमारा पॉइंट। देन x0 y -5 मीन्स ये रहेगा हमारा पॉइंट, तो इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन, आपको इस लाइन पे पूरी इक्वेशन लिखनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी 5x - y = 5, तो इस पर आपको लिखना है 5x - y = 5, इस तरह से आपको लिखना है। देन इक्वेशन सेकंड के लिए देखें, x1 y0, तो x हमारा है 1, y 0 मीन्स यही पॉइंट रहेगा। देन x0 y -3, x0 y रहेगा -3 मीन्स ये रहेगा पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड की लाइन। और इस लाइन पे भी आपको इक्वेशन सेकंड लिखना है, 3x - y = 3। तो यहाँ पर आप देखिए हमको क्या फाइंड करना है, इन दो लाइंस से और y एक्सिस से जो ट्राइंगल बनता है वो हमको यहाँ पर बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यहाँ पर आप देखें y एक्सिस हमारा ये है और दो लाइंस से, तो लाइंस देखें तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और ये यहाँ से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, मीन्स इसके जो वर्टाइजेज हैं वो एक ये हो जाएगा, ये पॉइंट है हमारा 1 0, x1 है y0। देन इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट है हमारा 0 - 3, क्योंकि x इस पे 0 है और y -3, ये जो पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा x0 और y है -5। मीन्स यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है आप देखें, ये y एक्सिस के साथ बन रहा है और दो लाइंस के साथ बन रहा है,
तो ये हमारा ट्राइंगल है जो हमको यहाँ पर बताना था, ड्रॉ करना था और इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो इन पॉइंट्स को हम नाम देते थे, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इस तरह से जो ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वर्टाइसिस के। तो यहाँ पर ए हो गया हमारा 1, 0, बी हो गया 0, -3 और सी हो गया 0, -5 और यही हमको यहाँ पर क्वेश्चन में बताना था। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर आपको एक्यूरेट बनाना है तो आपको ग्राफ पेपर पर ही बनाना होगा, क्योंकि बिना मेजरमेंट के आप इसको सही नहीं बना सकते। तो इसलिए जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ग्राफ पेपर पर ही इसको ड्रॉ करें, तभी आपका जो आंसर है वो सही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.7 से। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 5 पेयर दिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, उनको हमको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा px + qy = p - q, qx - py = p + q। ये फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हमको सॉल्व करना है। तीन मेथड है हमारे पास, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर आप देखें, x का कोफिशियंट यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, मीन्स q का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और p का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय q इन इक्वेशन फर्स्ट में q से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाय p, और p से इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में q से मल्टीप्लाई किया तो q इंटू पी क्यू पी एक्स क्यू स्क्वायर वाई, q का मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू में तो q p माइनस क्यू ब्रैकेट, इसमें करेंगे p का तो पी क्यू या क्यू पी, बात एक ही है। तो क्यू पी एक्स पी स्क्वायर वाई, देन p का मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस क्यू में, यहाँ हमने लिख लिया। देन सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव। देन यहाँ पर देखें तो qpx एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट होकर यहाँ हो जाएगा 0। देन यहाँ पर देखें ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, कि क्यू स्क्वायर वाई और पी स्क्वायर वाई, और क्योंकि यहाँ पर आप देखें y कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें y कॉमन लिया हमने, क्यू स्क्वायर भी पॉजिटिव पी स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो यहाँ हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देन यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इनको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और इसको लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है, क्यू पी मीन्स पी क्यू क्यू स्क्वायर, देन ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये पूरा तो पॉजिटिव है पी स्क्वायर पी क्यू, बट ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। देन यहाँ पर आप देखें ये पी क्यू पॉजिटिव, ये पी क्यू नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया, यहाँ पर क्यू स्क्वायर नेगेटिव पी स्क्वायर नेगेटिव, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, पी स्क्वायर पॉजिटिव क्यू स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया। देन यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, वाई कॉमन लिया था, यहाँ बचा पी स्क्वायर और यहाँ बचा क्यू स्क्वायर, और क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे इसलिए हमने इनको इस तरह से लिख दिया। अब वाई के ही मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में। देन यहाँ पर आप देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, नेगेटिव साइन मीन्स नेगेटिव 1। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई है नेगेटिव 1। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप पुट अप कर दीजिए, वहां से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। तो इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस y की वैल्यू को हमने पुट अप किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी px प्लस क्यू वाई, वाई की प्लेस पर हमने पुट अप किया नेगेटिव 1, तो ये हो जाएगा q इंटू नेगेटिव 1 नेगेटिव क्यू इक्वल्स टू पी माइनस क्यू एज इट इज। देन ये नेगेटिव q इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव q, यहाँ पर नेगेटिव q ऑलरेडी थी तो नेगेटिव q पॉजिटिव q कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचा p, ये p मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ गया 1, मीन्स x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व कर लिया है, और हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट लिया ax + by = c, देन ए एक्स ही रखा, बी वाई पॉजिटिव इक्वल्स टू किस तरफ गया तो नेगेटिव, ए मल्टीप्लाई में तो आ गया डिवाइड में, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट अप करेंगे, हमने क्या किया इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड में बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 + c, तो ए वाई और 1 + c तो एज इट इज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बी एक्स बी
x के प्लेस पर हमने पुट अप किया c माइनस बी वाई ओवर a, देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगी y की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट अप कर दी x की। अब इसको सॉल्व किया, b इंटू सी बी सी, बी इंटू बी वाई तो b इंटू बी बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई, तो एज इट इज है। अब यहाँ पर देखें इसके अपॉन में a, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स हमने सपोज कर लिया 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बी सी माइनस बी स्क्वायर वाई तो एज इट इज रहेगा, इस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर वाई, देन अपॉन में जो ए था उसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया क्योंकि ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ए का मल्टीप्लाई 1 में तो ए का मल्टीप्लाई सी में तो ए सी, देन ये जो बी सी है ये पॉजिटिव इक्वल्स टू किस तरफ गया, तो ये हो गया नेगेटिव ए ए सी माइनस बी सी। यहाँ पर देखें तो इन दोनों टर्म्स से हमने वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ए स्क्वायर पॉजिटिव और ये बी स्क्वायर नेगेटिव था तो नेगेटिव बी स्क्वायर, देन y के मल्टीप्लाई में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लेगा इक्वल्स टू किस तरफ, तो ये चले गया डिवाइड में, मीन्स यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई a प्लस ए सी माइनस बी सी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है ये x की वैल्यू यहाँ पर है, तो इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन थर्ड में पुटअप करेंगे जहाँ से हमको मिलेगी x की वैल्यू। यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड से देखें x इक्वल्स टू सी माइनस बी वाई, b एज इट इज रखा, y की जो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी a प्लस ए सी माइनस बी सी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल ओवर यहाँ पर है a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स 1 सपोज किया, 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा c का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर में, तो c ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर c माइनस बी स्क्वायर c, देन इधर इन टर्म्स को देखें तो नेगेटिव b का मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव ए बी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ए बी सी, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बी सी है और इंटू बी तो मीन्स बी स्क्वायर c ओवर a ऑलरेडी था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था एलसीएम, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखें बी स्क्वायर सी नेगेटिव बी स्क्वायर सी पॉजिटिव ये कैंसिल आउट हो गए, ऊपर के तीनों टर्म देखें ए स्क्वायर सी ए बी ए बी सी तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है a, तो हम a कॉमन ले लेते हैं, देन यहाँ पर क्या बचेगा हमारा ए सी, यहाँ बचेगा नेगेटिव b और यहाँ बचेगा नेगेटिव बी सी, क्योंकि यहाँ एक a है यहाँ पर भी और यहाँ दो है ए स्क्वायर, इसलिए एक a बचेगा अपॉन a और यहाँ रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए सी माइनस बी माइनस बी सी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हमको फाइंड करना था, y की वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से फर्स्ट और सेकेंड हमने कर लिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंपल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें ए और बी का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू जीरो, देन ये हो जाएगा हमारा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये ए बी इक्वल्स टू कोस तरफ जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा जीरो जीरो, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको हमको सॉल्व करना है किसी भी एक मेथड से, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से क्या करते हैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर हमने क्या किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू जीरो, देन x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से या फिर y की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ay है और bx है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर bx की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने bx को यहीं रखा, ay पॉजिटिव था नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ जाएगा, देन यहाँ पर क्या करेंगे ये जो b है ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई y के फॉर्म में। देन अब इस वैल्यू को हम किस इक्वेशन में पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो यहाँ पर हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करी ए वाई ओवर बी यानी वाई के फॉर्म में, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, और इक्वेशन सेकंड में हमने पुटअप किया ये एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें हमने एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू रखी ए वाई ओवर बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से हमको मिल जाएगी वाई की वैल्यू,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आप देखें a का मल्टीप्लाई a y में करेंगे, तो a इंटू a स्क्वायर y ओवर b प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज रहेंगे। देन यहाँ पर आप देखें तो ये जो बी है इसके अपॉन में बी है, इसके अपॉन में कुछ नहीं मीन्स वन है, तो हमने बी और वन का एलसीएम लिया तो आ गया बी। देन ए स्क्वायर वाई एज इट इज बी का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर वाई, और जो एलसीएम में बी है वो हमने इक्वल्स टू किस तरफ भेज दिया क्योंकि वो डिवाइड में था, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देखें दोनों टर्म्स में से हमने वाई कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस यहाँ बचा बी स्क्वायर, देन यहाँ इक्वल्स टू किस तरफ जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्योंकि हमको वाई की वैल्यू चाहिए इसलिए हम इस टर्म को इक्वल्स टू किस तरफ भेजेंगे, और ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया डिवाइड में। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया बी, मीन्स वाई की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें एक्स इक्वल्स टू ए वाई ओवर बी, तो यहाँ पर आप देखें ये था एक्स इक्वल्स टू ए वाई ओवर बी, तो ए वाई ओवर बी, देन यहाँ पर y की वैल्यू हमारी क्या आई थी b, तो y की प्लेस पर हमें क्या पुट अप किया b, b से b कैंसल आउट हो गए, यहाँ बचा a, मीन्स x की वैल्यू आ गई a और y की वैल्यू आ गई b। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म है, मीन्स यहाँ पर आप देखें तो एक टर्म कॉन्स्टेंट, देन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वाई इक्वल्स टू ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है। देन सेकेंड इक्वेशन देखें तो ये अरेंज नहीं है, मीन्स इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा देन ये अरेंज होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड को सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर, तो ए का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स, ए का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई, इसी तरह बी का मल्टीप्लाई भी हम एक्स प्लस वाई में करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया ए एक्स प्लस ए वाई, देन बी का मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स प्लस बी वाई। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म्स अलग कर लेंगे और वाई वाले टर्म्स अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स वाले टर्म्स अलग किए, तो यहाँ पर आप देखें ये एक्स वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, इन दोनों में से हमने क्या किया एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचा ए प्लस बी, क्योंकि ये आप देखें ये एक्स वाला टर्म है, तो यहाँ से हमने क्या किया एक्स कॉमन लिया, देन यहाँ बचा ए और यहाँ बचा बी। देन इसी तरह y वाले टर्म्स देखें तो इन दोनों टर्म्स से हमने y कॉमन लिया तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा b। तो यहाँ पर ये देखें आप अरेंज हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशंस देखते हैं हम, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इससे पिछला क्वेश्चन हमने सब्सटीट्यूशन से करा है तो उसको एलिमिनेशन से कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो x का कॉफिशियंट है यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी, बट y का कॉफिशियंट देखें तो यहाँ a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी, मीन्स इनको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर साइन देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी एक नेगेटिव साइन वाला हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इनको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें क्योंकि हमने इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है फर्स्ट में से, इसलिए फर्स्ट हमने ऊपर लिखा a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। देन सेकंड इक्वेशन है x को हमने यहाँ लिख लिया है तो a प्लस बी एक्स ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव। देन इन दोनों टर्म्स को देखें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम नंबर है a प्लस बी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट, मींस y हो गया आपका जीरो, y एलिमिनेट हो गया हट गया। अब हमको सॉल्व करना होगा x वाले टर्म को और कॉन्स्टेंट टर्म को। तो यहाँ पर आप देखें ये जो टर्म है x a माइनस बी, ये तो एज इट इज रहेगा, मीन्स a का मल्टीप्लाई x में कर देंगे ए एक्स माइनस बी एक्स। बट यहाँ पर इस टर्म को देखें a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें a माइनस बी एक्स ये एज इट इज रहेगा, बीच में लगेगा नेगेटिव साइन क्योंकि ये पहले पॉजिटिव था बट अब नेगेटिव हो गया क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है। देन a प्लस बी एक्स, अब हम क्या करेंगे इनको सॉल्व कर लेते हैं। देन इसको देखें तो ए स्क्वायर माइनस टू बी माइनस बी स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, देन बीच में लगेगा नेगेटिव साइन
और फिर ये ब्रैकेट हम लिखेंगे। और आप चाहें तो नेगेटिव साइन का डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें हमने आगे क्या किया, इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दिया, तो ए एक्स बीच में नेगेटिव साइन तो नेगेटिव बी एक्स, देन ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये सारे टर्म्स जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगे, और इस x का मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया तो ए एक्स देन बी एक्स, और क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए उन दोनों पे लग जाएगा नेगेटिव साइन। देन यहाँ पर आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर ये हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है। इस टर्म को देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाए तो इस नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव ए स्क्वायर है ये पॉजिटिव ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ नेगेटिव बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टू बी स्क्वायर और नेगेटिव टू ए बी एज इट इज। देन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए एक्स ए एक्स और बी एक्स और बी एक्स दोनों नेगेटिव है इसलिए ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। देन आगे आप देखें यहाँ पर तो इन दोनों टर्म्स में से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन ले सकते हैं और बी भी कॉमन ले सकते हैं, तो नेगेटिव टू भी कॉमन आ गया। देन इस टर्म में देखें आप, आपका नेगेटिव साइन चले गया, टू चले गया, बी चले गया, बचा क्या ए, और क्योंकि नेगेटिव साइन चले गया इसलिए यहाँ क्या बचेगा बी, इस टर्म में भी यहाँ से टू चले गया है और बी भी चले गया है तो यहाँ एक भी बचेगा, क्योंकि यहाँ क्या है बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर है मीन्स एक भी बाहर है एक भी है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए प्लस बी और नेगेटिव टू भी हम कॉमन ले चुके हैं और नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव इक्वल्स टू, किस तरफ देखें तो नेगेटिव बी एक्स नेगेटिव बी एक्स नेगेटिव टू बी एक्स। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, ये नेगेटिव टू बी एक्स के मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर आप देखें ये जो 2b है नेगेटिव 2b ये x के मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू को उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में चले गया। यहाँ पर नेगेटिव 2b है, यहाँ पर भी नेगेटिव 2b है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a प्लस बी, मीन्स यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को अगर पुटअप कर देते हैं तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप देखें तो यहाँ है a माइनस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स की प्लेस पर हम लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि x की वैल्यू हमको मिली है a प्लस बी। देन बाकी की जो इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगी, a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ हमने क्या किया है इस x की प्लेस पर a प्लस बी लिखा है क्योंकि x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पर आप देखें ये जो ए स्क्वायर है ये पॉजिटिव है, ये बी स्क्वायर है नेगेटिव है, इक्वल्स टू को उस तरफ जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर पॉजिटिव था इक्वल्स टू को उस तरफ गया तो ये हो गया नेगेटिव, ये बी स्क्वायर नेगेटिव था इक्वल्स टू को उस तरफ गया तो ये हो गया पॉजिटिव, ए प्लस बी वाई एज इट इज और ये जो टर्म्स हैं ये भी एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखें ये स्क्वायर पॉजिटिव ये स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी तरह ये बी स्क्वायर नेगेटिव ये बी स्क्वायर पॉजिटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या यहाँ पर नेगेटिव टू ए बी। और यहाँ पर आप देखें ये जो ए प्लस बी वाई के मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू भी मिल गई है, मीन्स यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए प्लस बी और वाई की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव टू ए बी ओवर ए प्लस बी। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ। अब हम इसका नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ है ये, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशंस को अगर देखें आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तो 152x और यहाँ पर 152y साइन भी आप देखें दोनों पॉजिटिव हैं, देन 378 यहाँ पर भी है 378 यहाँ पर भी है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो अगर आप डायरेक्टली इसी को सॉल्व करते हैं तो जो आपके कैलकुलेशंस हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मींस अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमको यहाँ सेम नंबर मिलेगा, मींस इसको सॉल्व करने में ये हमको ईजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं जिससे हमको एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, और इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है हमको, तो
तो यहाँ पर आप देखें x से स्टार्ट करते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और क्योंकि ऐड कर रहे हैं इसलिए साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हमारे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा। और 378 इज़ ग्रेटर देन 152, इसलिए 378 में से हम 152 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि 378 इज़ ग्रेटर देन 152। देन यहाँ y वाले टर्म्स में देखते हैं, 378 152, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा। और 378 इज़ ग्रेटर देन 152, इसीलिए 378 में से 152 को हम माइनस करेंगे और साइन आएगा नेगेटिव। देन यहाँ पर देखें ये दोनों ही नेगेटिव है, मीन्स दोनों को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें 378 माइनस 152, 378 माइनस 152 सेम नंबर आएगा 226। और क्योंकि यहाँ पर 378 बड़ा है इसलिए नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी 378 बड़ा है इसलिए नेगेटिव साइन। इन दोनों टर्म्स में से 226 कॉमन आ रहा है और नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पर हमने 226 कॉमन ले लिया और नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और 226 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर आप देखें हमने इसको सॉल्व कर लिया, 226 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। 226 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 678। देन ये आ गया इक्वल्स टू किस तरफ 3, मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको 3, एक छोटी सी सिंपल इक्वेशन मिल गई है। देन ऐड करने पे हमको एक इक्वेशन इस तरह से मिली है, मीन्स सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो भी हमको इसी तरह की एक सिंपल इक्वेशन मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनको लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो अब इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 378 पॉजिटिव हो गया, 152 भी पॉजिटिव, मीन्स इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए 152 पहले पॉजिटिव था, बाद में क्या हो गया नेगेटिव, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव इसलिए दोनों ऐड होंगे। यहाँ पर आप देखें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि 604 पहले नेगेटिव था बट सब्ट्रैक्शन करें इसलिए ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर लिया है, 378 प्लस 152 530x, और दोनों नेगेटिव इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, और 378 प्लस 152 530y, और इक्वल्स टू किस तरफ देखें 604 माइनस 74 आ जाएगा 530। इन दोनों में से 530 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने 530 कॉमन लिया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में का ये कैंसिल आउट होकर यहाँ कितना बचा हमारे पास 1, मीन्स एक और इक्वेशन हमको मिल गई है। और इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, वाई का कॉफिशियंट यहाँ पर 1 है बट नेगेटिव, और यहाँ पर वाई का कॉफिशियंट 1 है बट पॉजिटिव, मीन्स एलिमिनेशन मैथड से इनको सॉल्व करेंगे तो हम इनको ऐड कर देंगे तो वाई से वाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो हमको इक्वेशंस गिवन थी उनको सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी थी, अगर इनको डायरेक्टली आप सॉल्व करते तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर्स भी लगभग सेम थे, तो यहाँ पर इनको ऐड करा एक बार तो यहाँ से एक सिंपल इक्वेशन मिली, देन सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ से भी हमको एक सिंपल इक्वेशन मिली एक्स वाई के फॉर्म में। देन हमने क्या किया, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा, तो इक्वेशंस को थर्ड और फोर्थ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ आप देखें 2x, x प्लस x 2x, देन y, नेगेटिव y ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ गया आपका 0, देन 3 प्लस 1 4, देन 2x इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 4 ओवर 2, मीन्स 2 2 जार 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी एक इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हम अभी सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, इसीलिए इसके आगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का ही हम यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई, अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है हमारी यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 2, तो x की प्लेस पर रखा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, पॉजिटिव 2 था यहाँ पर प्लस में था y के इक्वल्स टू को सरफ जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, देन 3 माइनस 2 1, मीन्स यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई 1, x की वैल्यू मिल गई 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.7 से। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
एक्सरसाइज 3.7 का ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो एंगल्स हैं ABCD ये हमको फाइंड करने हैं। यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो हमको एक्स और वाई के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एंगल्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल के अगर जो इंटीरियर एंगल है उन सभी का अगर सम करते हैं तो 360 होता है, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है, तो उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हमने जो लिख लिया है, यहाँ पर देखें ABCD ये हमको डायग्राम में गिवन है। ए हमारा 4y+20, बी है हमारा 3y-5, सी की बात करें तो ये है -4x और डी का देखें तो ये है -7x+5। तो यहाँ पर हमने सारे एंगल्स लिख लिए हैं जो कि हमको गिवन है डायग्राम के अकॉर्डिंग। देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर हमने उसको लिखा है, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, मींस इसके जो अपोजिट एंगल है यहाँ पर देखें जो पेयर होगा वो होगा A+C का, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है, देन B+D का, ये दोनों अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर अपोजिट एंगल होंगे A and C, B and D। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पेयर है वो है A+C = 180°, क्योंकि यहाँ पर आप देखें A और C ये दोनों ही अपोजिट एंगल हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा 180। देन एंगल A हमको गिवन है 4y+20, यहाँ हमने लिखा A की प्लेस पर। देन एंगल सी है हमारा -4x, तो हमने लिखा -4x = 180 एज इट इज। अब 4y+20 ये दोनों पॉजिटिव ही हैं, बट जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनमें x पहले आता है y बाद में आता है, तो -4x हमने पहले लिख दिया। देन यहाँ पर देखें 4y को हमने यहाँ लिख दिया, और नेगेटिव जो पॉजिटिव 20 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा -20, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है और इस तरफ हमको x और y के टर्म्स रखना है, तो ये हो जाएगा -4x + 4y पॉजिटिव 20 इक्वल्स टू किस तरफ आया, तो -20, 180 - 20 आ जाएगा 160, ये आ गया -4x + 4y। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें 160 4 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो 4 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो 4 ones are 4, मीन्स यहाँ बचा 1x और नेगेटिव साइन एज इट इज़, यहाँ पर भी 4 ones are 4, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 4 are 16 और ये 0 एज इट इज़। तो इस तरह से ये हमको एक इक्वेशन मिल गई, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन A+C के लिए हमने अप्लाई कर दिया। अब दूसरा जो पेयर है अपोजिट एंगल का वो है B+D, तो जो दूसरा पेयर है वो है एंगल B+D इक्वल्स टू हो जाएगा 180, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। देन यहाँ पर हम बी और डी की वैल्यू पुट अप कर देंगे, बी है हमारा 3y-5, डी है -7x+5। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले बी की जो वैल्यू है वो लिखें 3y-5, डी की प्लेस पर हम लिखा -7x+5, -7x+5 इक्वल्स टू 180। देन जो 7x है ये नेगेटिव है, इसको एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, y को यहाँ लिख लेंगे, देन 5 ये नेगेटिव है, ये 5 पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 180, मींस इसको सिंप्लीफाई करके हमको लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3y-5 एज इट इज़, ये पॉजिटिव साइन है इसलिए इसके साइन तो चेंज होंगे नहीं, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते, बट यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव था तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव। देन 7x पहले, 3y पॉजिटिव था तो उसको बाद में लिख दिया, -5 + +5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 5 - 5 क्या हो जाएगा हमारा 0, इक्वल्स टू आ गया हमारा 180, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कर लिया है। अब इनको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी, और अगर एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है तो हम हमारे जो चारों एंगल्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर -x + y = 40 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठाया हमने, देन यहाँ से आप चाहें तो x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू भी, तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड की, ये -x = कुछ तरफ भेज दिया तो ये हो गया पॉजिटिव।
तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे, इक्वेशन सेकंड है नेगेटिव 7x एज इट इज प्लस 3y, और क्योंकि y की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया तो y की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, तो 3 एज इट इज y की प्लेस पर लिखा 40 प्लस x, क्योंकि 3 और y ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन होगा, इक्वल्स टू 180 एज इट इज, नेगेटिव 7x, 3 4s आर 12, 0 एज इट इज, 3 का मल्टीप्लाई x में किया 3x इक्वल्स टू 180, ये 120 पॉजिटिव इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो नेगेटिव, और नेगेटिव 7x प्लस 3x ये हो जाएगा नेगेटिव 4x, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मीन सब्ट्रैक्शन होगा, और 7 इज ग्रेटर देन 3 इसलिए आ जाएगा नेगेटिव साइन। देन 180 माइनस 120 आ जाएगा 60, देन नेगेटिव 4 है यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 से 60 को कैंसिल आउट कर देंगे, 15 टाइम में ये कैंसिल आउट करेगा, और क्योंकि नेगेटिव साइन तो इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी नेगेटिव 15। अब हमको चाहिए y की वैल्यू, और इक्वेशन थर्ड में आप देखें तो y की वैल्यू x के फॉर्म में है हमारे पास, तो इक्वेशन थर्ड से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड लिया, इक्वेशन थर्ड y इक्वल्स टू 40 प्लस x, देन यहाँ पर x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इस x की वैल्यू को हमने इसमें पुट अप किया x की प्लेस पर, 40 प्लस x की वैल्यू नेगेटिव 15, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 40 माइनस 15 आ गया है 25, मींस y की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू आ गई नेगेटिव 15, तो x और y की वैल्यू आ गई है। अब हमको यहाँ पर एंगल्स फाइंड करने हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो एंगल्स फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल ए बी सी और डी इनको फाइंड किया, यहाँ पर आप देखें ये सारे के सारे x और y के फॉर्म में हैं, यहाँ पर हमने क्या किया x और y की वैल्यूज पुट अप कर दी जिससे कि हमको एंगल्स मिल गए। यहाँ पर एंगल ए है हमारा 4y प्लस 20, y की वैल्यू 25 4s आर 100 प्लस 20 120, बी की बात करें तो ये है 3y माइनस 5, 25 3s आर 75 माइनस 5 70, एंगल सी है हमारा नेगेटिव 4x, तो नेगेटिव 4 और x की वैल्यू है नेगेटिव 15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 15 4s आर 60, देन डी की बात करें ये है नेगेटिव 7x प्लस 5, नेगेटिव 7x की प्लेस पर नेगेटिव 15 प्लस 5 15 7s आर 105, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव 5, तो ये हो गया 110। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कम्प्लीट हो गया है। इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।